नमस्कार, भाग्य चक्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कीर्ति कंसल। आज बात करेंगे आपके भाग्य की, आपके सितारे की। तो भाग्य चक्र में वक्त हो चला है स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमान से आपका परिचय कराने का। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, फेमस ज्योतिष आचार्य जी अंजु वत्स जी। बहुत बहुत स्वागत है अंजु वत्स जी आपका। अंजु वत्स जी, बिना देर किए आज सबसे पहले ये जानेंगे कि आज का पंचांग क्या रहने वाला है। जी, पंचांग आज तारीख 21 दिसंबर 2018, दिन शुक्रवार, महीना मार्गशीर्ष, नक्षत्र रोहिणी, तिथि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, सूर्य धनु राशि में, चंद्रमा वृष राशि में। आज का राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक। तो आज का जो विशेष पंचांग रहने वाला है वो हमने आपको बताया है, और इसी के साथ आज हम आपको बताएंगे कि आज की राशियों का क्या हाल रहने वाला है, किसकी राशि क्या कहती है, और आज की विशेष सलाह भी आपको देंगे। तो यहां पर अंजु वत्स जी समय समय पर आपको बताएंगे कि आपकी राशि आज क्या कहती है, और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, आज दिन की में सफलता की प्राप्ति होगी। आज आप अपने काम और व्यापार में कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं। आप आज के दिन आत्मविश्लेषण करेंगे। आज का दिन आपके लिए शुभ है, आपको शांति प्रदान करेगा। तो मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है, क्योंकि आज वो एक नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आज आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए शुभ है, आज आप कर सकते हैं। इसी के साथ आज आप आत्मविश्लेषण भी करेंगे, जो कि आपको बताया गया है। ये दिन आपके लिए आज बेहद शुभ है। और अब बात करते हैं वृष राशि की। जी, वृष राशि, आज किसी नई परियोजना का प्रारंभ कर सकते हैं। अगर कोई हो सके तो नए निवेश का विचार भी करें। आज कुछ तनाव रह सकता है, अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। तो वृष राशि वालों को थोड़ा सोचकर चलना होगा, आज थोड़ा हाथ टाइट रखना होगा, और खर्च थोड़ा सोच समझ करके करना होगा इसीलिए। और आज थोड़ा सा तनाव रह सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे आपका दिन अच्छा है, थोड़ा सा संभल कर आपको चलना होगा, ये नसीहत आज आपको दी गई है। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। जी, मिथुन राशि, आज आप ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। इस बात की संभावना है कि आज आपकी आय में वृद्धि होगी। आज आपकी पदोन्नति हो सकती है और अतिरिक्त पदभार भी संभाल सकते हैं। आज का दिन सांसारिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा। आज का दिन का निर्णय लेने के लिए उत्तम है। आज दान में आपकी रुचि रहेगी। मतलब अगर कुल मिलाकर के बात की जाए मिथुन राशि वालों के लिए, तो मिथुन राशि वालों का दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। आय में वृद्धि होगी, पदोन्नति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में आज आप आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। जी, कर्क राशि, आज अपने अनुभव से समाज में अपनी पहचान बनाएंगे। रोजगार पाने के लिए दिन अनुकूल है, भाग्य आपके साथ है। अगर आप बेरोजगार हैं तो पिता का आदर कीजिए और उनकी जरूरत का ध्यान रखिए। तो कर्क राशि आज अपने अनुभव से समाज में अपनी पहचान बनाने वाले हैं, आज उनका दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। रोजगार पाने के लिए भी दिन अनुकूल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आगे आप बढ़ते जाइए, आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? जी, सिंह राशि, आज लोग आपके सदुपयोग प्रशंसा करेंगे। आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारेंगे। आप अपनी आमदनी को बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। इस दौरान आप कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी करेंगे। आज आपको कई अवसर मिल सकते हैं। तो आज जो भी सद्गुण हैं आप में, लोग उसकी प्रशंसा जम करके करेंगे, यानी कि जो भी गुण हैं आप में आज लोग उसे पहचान लेंगे, क्योंकि लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि जो हमारे गुण हैं हमें उनको सामने वालों को दिखाना चाहिए, लेकिन आज लोग खुद देखेंगे आपके गुणों को और उनके विशेष तौर पर तारीफ भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि, आज आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आज कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं,
बुरी संगति से दूर रहें। कई सफलता उम्मीदों के अनुसार प्राप्त होंगी। इस दौरान आपके लाभ का स्तर कम नहीं हो रहेगा, जिससे आप स्वाभाविक रूप से प्रसन्न ही रहेंगे। तो कन्या राशि वालों को आज अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध जो है वो बुद्धि पर असर करता है, बुद्धि चलनी बंद हो जाती है, तो थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें। इसके अलावा जो आपका दिन है वो आज अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जितनी भी राशियों की हम बात कर रहे हैं और जितनी भी राशि वाले लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जरूर कॉपी पेन लेकर के बैठेगा। जो भी विशेष उपाय आपको बता रहे हैं या फिर आपका दिन आज कैसा रहने वाला है वो जरूर नोट कीजिएगा, और उसी हिसाब से अगर आप चलिएगा तो आपका दिन बेहद शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि की। जी, तुला राशि, आप अपने ज्ञान का और समृद्धि का विस्तार करेंगे। व्यापारिक साझेदारी और सहयोगियों के प्रति पूरी श्रद्धा रहेगी। आज आप सम्मान की खरीद और यात्रा कर सकते हैं। आज का दिन अनुकूल है। अगर आप अपने काम पर जोर देंगे तो आज का दिन आपके लिए फलदायी साबित होगा। यानी कि थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है तुला राशि वालों के लिए, थोड़ा सा अपने काम पर जोर आपको देना होगा तभी वो फलदायी रहने वाला है। यानी कि आज थोड़ी मेहनत कीजिएगा, आपको फल जरूर आज के दिन मिलने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जी, वृश्चिक राशि, आज आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर आज आप चिंतित रहेंगे। अपने शत्रुओं को पहचानें और उनसे सतर्क रहें। पुराने ऋण को चुका देने से दिल को राहत और खुशी मिलेगी। रिश्तेदारों से मिलें और अपने संबंधों में सुधार लाएं। तो वृश्चिक राशि वालों को आज अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। सबसे बड़ी बात ये आज वृश्चिक राशि वालों के लिए ये है कि अपने शत्रुओं की पहचान उन्हें आज करनी जरूरी होगी, क्योंकि शत्रु धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो शत्रु के आज पहचान करनी होगी। इसी के साथ आप ऋण भी आज अपना चुका पाएंगे और दान का भी आज आप में आपकी राशि में संयोग बन रहा है। बात करते हैं धनुराशि की। जी, धनुराशि, आज आपको कोई लाभ या उपहार मिलने की संभावनाएं हैं। लाभ प्राप्ति का दिन है। आज आप जितनी दूरदृष्टि से सोचेंगे दिन उतना ही आराम से गुजरेगा। मन शांत और तनाव मुक्त रखें। सोच समझकर ही निर्णय लें। किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज कोई उन्हें लाभ मिल सकता है, कोई उपहार मिल सकता है, इसी के साथ कोई अच्छा काम भी आज वो शुरू कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला जी, है? मकर राशि, आज अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखें। आज आप जो तय कर लेंगे वह पूरा कर सकते हैं। आज आप शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। लोग आपके विरुद्ध रहेंगे लेकिन आप उनकी परवाह ना करें, किसी विवाद में ना पड़े, अन्यथा आप बेकार में परेशान हो सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए विशेष सलाह ये कि लोग आपके विरुद्ध रहेंगे लेकिन आपको आगे बढ़ते चले जाना है, अपने काम पर फोकस करना है। अगर आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो कोई भी आपके हौसलों को यहाँ पर डगमगा नहीं सकता है, आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि, आज का दिन आपके विकास और उन्नति का है। अपनी इच्छाएं पूरी करने की दिशा में आज आप आगे बढ़ें। प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशी की अनुभूति होगी। शुभ संदेश प्राप्त होगा। अपने छोटे भाई बहनों और अन्य परिजनों की मदद करें। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन विकास और उन्नति का है, यानी कि आज का दिन उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। और अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि, आज किसी अनजान व्यक्ति से सावधान रहें। अपने काम पर ध्यान दें। आज आपको परिवार का पूरा साथ मिलेगा। आपसी समझ और खुशियों को बनाए रखें। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय आप अगर उसके आपके जीवन में रोजगार की कोई समस्या आ रही है तो आपकी जन्म पत
तो चलिए, ये मीन राशि के बारे में भी आपको बता रहे थे, इसी के साथ हमने आज का एक विशेष उपाय भी आपको बता दिया है। और अब बाकी के जो विशेष उपाय बचे हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके जो ये दर्शक जो कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं उनको अपने दिन को और ज्यादा शुभ बनाना है, और ज्यादा अच्छा बनाना है, तो विशेष उपाय आज आप क्या बताना चाहेंगी? जी, अगर आपके जीवन में रोजगार को लेकर कोई समस्या आ रही है तो आपकी जन्मपत्री में दशम भाव और रोजगार के कारक ग्रह पीड़ित होंगे। सुबह सुबह पक्षियों को सतनाज यानी 7 प्रकार का नाज मिलाकर दाना खिलाएं तो निश्चित ही आपकी मनचाही नौकरी योग्य प्रबल होंगे। हर शनिवार को शनि देव की पूजा करते हुए ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे कुंडली में रोजगार संबंधित समस्याओं का समाधान होगा, रोजगार मिलने के अवसर भी बढ़ेंगे। नौकरी पाने के लिए पीपल के पेड़ की सेवा अवश्य करें। तो ये थे आज के विशेष उपाय। सबसे ज्यादा आजकल दिक्कत आती है नौकरी पाने में, तो नौकरी के लिए आज क्या कुछ विशेष उपाय रहने वाले थे वो हमने आपको बताए। आशा करते हैं कि आपने सभी उपाय ध्यान से सुने और पढ़े और लिखे भी होंगे, उन्हें जरूर अपनाइएगा, आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजु वत्स जी अपना कीमती समय देने के लिए, और तमाम उन दर्शकों का शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में जुड़े, जो इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे थे और विशेष उपाय हमने आपको बताए, वो उपाय आपके लिए विशेष लाभकारी हैं। कल फिर से हाजिर होंगे इन्हीं विशेष उपायों के साथ, और आपकी क्या कुंडली कहती है वो भी कल आपको फिर से बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।